एक स्टूडेंट था अभी ऑफलाइन क्लास में, मैं नाम नहीं लूंगा, ईस्ट यूपी से वो बच्चा था। वो बच्चा आके एडमिशन लेता है, मुझे अभी कल बताया ये बात रॉबिन सर ने। वो बच्चा आके कहता है कि सर फीस कितनी है, बोला सर ने ये फीस है। वो बच्चा सर को पैसे दे देता है और पैसे जैसे जमा करता है तो जब वो बाहर निकल रहा होता है ऑफिस से, उसकी आंखों में आंसू। रॉबिन सर ने उसको रोका दो मिनट के लिए कि बेटे रुको, क्या बात हुई? उसने कहा सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही कि मेरा सपना था कि यहाँ पे सामने सर से बैठ के पढ़ने का और मैं आ गया, और मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, मैं आ गया। तो फिर बोला फिर दिक्कत क्या है? उसने कहा सर मेरी माता जी ने अपने जो गहने हैं ना उसमें से आधे बेच दिए, मतलब आधे गिर, और सर उन्होंने पूरे गहने इसलिए नहीं रखे क्योंकि लोग अच्छा पैसा नहीं दे रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, तो मैं कम कर पाऊंगा, बाकी मैं एक के बाद जमा करूंगा। मेरे अगर फ्री पढ़ाने से किसी मां के गहने बिकने से रुक जाए, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। और बुरा तो तब ज्यादा लगा जब उस बच्चे को सर ने मुझे बताया कि सर इसका ध्यान रखना ऐसे और ये। मैंने उसको क्लास में देखा, कल शायद आपकी जीडी जब शाम को वो हो रहा था, लेक्चरेट हो रहा था, उसने कोरोना के ऊपर बहुत अच्छा बोला था ना, समझ गए ना कौन लड़का है सर। उसने कोरोना के ऊपर, मैं नहीं था वहां पे, हमारे यहाँ कैंपस में क्या होता है कि हम बच्चे को स्पोकन, उसका डाउट फियर रिमूव करने के लिए हम प्रोग्राम चलाते हैं, हम एक्स्ट्रा कलिक, आप आओगे कभी या कोई आए तो हम दिखाएंगे वीडियोस में अपनी कि यहाँ क्या क्या चीजें होती हैं, डाउट फियर रिमूविंग सेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब चीज चलाते हैं। उसने जो बोला ना बेटा कोरोना के ऊपर, एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये टैलेंट है, ये सिर्फ पैसे का मोहताज है, और ऐसा नहीं हो सकता। एजुकेशन कभी पैसे की मोहताज नहीं हो सकती, और जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक तो होने नहीं दूंगा। तो मैंने बस यही सोचा उसके बाद कि अगर मैं फ्री पढ़ाऊंगा ना, और मेरे फ्री पढ़ाने से किसी माँ के कल ऐसा ना हो कि उसके गहने गिरवी रख जाए, कोई बाप अपनी आंखों में आंसू ले आए उस पैसे की वजह से, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि मैं जो अगला बैच लेके आ रहा हूं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा